दोस्तों, मोनोरेल का आविष्कार सर हेनरी रॉबिसन पाल्मर ने किया था, वहीं मेट्रो रेल का आविष्कार सर फुलजेंस बायमैन्यू ने किया था। इंडिया में मोनोरेल्स मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी MMRDA के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। 1984 में इंडिया में मेट्रो स्टार्ट हुई थी और सबसे पहली मेट्रो ट्रेन कोलकाता सिटी में चली थी। वहीं इंडिया में सबसे पहली मोनोरेल 2 जनवरी 2010 में स्टार्ट हुई थी और सबसे पहली मोनोरेल मुंबई में चलाई गई थी। बाकी ट्रेनों की तरह मेट्रो रेल्स भी डबल लाइन ट्रैक पर चलती है, वहीं मोनोरेल्स सिंगल लाइन ट्रैक पर चलती है। मोनोरेल की एवरेज स्पीड करीब 32 किलोमीटर पर आवर है और टॉप स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है। वहीं मेट्रो रेल की टॉप स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है। दोस्तों, फिलहाल इंडिया में मोनोरेल सिर्फ मुंबई सिटी में ही अवेलेबल है। वहीं मेट्रो रेल इंडिया में अभी सिर्फ 9 सिटीज में रन कर रही है, साथ ही बाकी सिटीज में यह अंडर कंस्ट्रक्शन में है। मोनोरेल का मिनिमम फेयर 5 रुपीज और मैक्सिमम फेयर 15 रुपीज है। वहीं मेट्रो रेल का मिनिमम फेयर 10 रुपीज और मैक्सिमम फेयर 40 रुपीज है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें और पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें।